यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे का आज पांचवा दिन है, लेकिन अगर उनके कल के दौरे की बात करें यानी चौथे दिन के दौरे की बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हिमाचल की मिट्टी के आशीर्वाद से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा हूं। इसी कारण गणतंत्र दिवस समारोह में हिमाचली टोपी का प्रतीकात्मक चयन कर देवभूमि को नमन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश में पिछले 44 वर्षों से आ रहा हूं, लिहाजा हिमाचली मिट्टी से जुड़ी अतीत की कई यादें अभी ताजा है। पिछले साल मई महीने में ही शिमला प्रवास पर आया था, उस दौरान बिहार का राज्यपाल था और किसी भी बाहरी प्रदेश में ये मेरा अंतिम प्रवास था। हिमाचल लौटने के 20 दिन बाद मेरा मनोनयन राष्ट्रपति पद के लिए कर दिया गया, जिससे ये पुख्ता हो गया कि हिमाचल की मिट्टी के प्रयार ने राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है। बुधवार को पीटरहाफ में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में एक पेशकश दी गई थी। राष्ट्रपति भवन के उच्चाधिकारी ने कहा कि 26 जनवरी को देश भर के राज्यों की सांस्कृतिक पहचान के लिए झांकियां निकाली जाती हैं। इस समारोह में राष्ट्रपति किसी भी एक राज्य का प्रतीकात्मक चयन किया जाता है। इससे राष्ट्रपति किसी भी प्रदेश के प्रतीक का चयन कर उस राज्य को गौरवान्वित कर सकता है। इस दौरान मैंने हिमाचल प्रदेश की माटी को नमन करते हुए हिमाचली टोपी चुनी। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे लिए हिमाचल आना हमेशा भाग्यशाली रहा है, इस कारण वीर भूमि से जुड़ी कई यादें मुझे खुशी के पलों का स्मरण दिलाती हैं। हिमाचल का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, इसमें सतलुज और ब्यास नदी का वर्णन है।